दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक लोको पायलट जब ट्रेन को सोर्सेस स्टेशन से डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं तो वो कितने घंटे तक ट्रेन चलाते हैं, या वो अपने ड्यूटी को पूरा करने के बाद कैसे घर आते हैं, या उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है। तो आज के वीडियो हम इसी के बारे में गहराई से जानने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप लोको पायलट के लाइफ स्टाइल, ड्यूटी के आवर और वह कितने समय तक ट्रेन में लगातार ड्यूटी करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेल से रिलेटेड इसी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं एक लोको पायलट का लाइफ किस प्रकार की होती है। रेलवे के ड्राइवर जिसे कि लोको पायलट कहते हैं, जिसके साथ की एक असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, वो अपने ड्यूटी के बाद जहां रेस्ट करते हैं उसे रनिंग रूम कहा जाता है। दोस्तों यह रनिंग रूम हर एक क्रूज चेंजिंग प्वाइंट पर या मेजर स्टेशन के लॉबी के बगल में होते हैं। वो यहाँ ड्यूटी के बाद निर्धारित समय तक आराम करते हैं जिसमे की उसके लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है। इसके अलावे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के हेडक्वार्टर में उसे अपने घर पर आराम करने के लिए पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है। इसके लिए लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट को अपने हेडक्वार्टर पर ड्यूटी के लिए कम से कम 16 घंटे के बाद ही बुलाया जाता है। दोस्तों इसके ड्यूटी को लॉबी के मुख्य क्रू नियंत्रक महोदय, जिसे कि सीनियर क्रू कंट्रोलर भी कहते हैं, के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हर लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट की उसकी एक अपनी आईडी व पासवर्ड होती है, जिसे सीएमएस पर सभी लोको पायलट अपनी ड्यूटी को जाने के पहले साइन ऑन व आने के बाद साइन ऑफ करते हैं। इसके साथ इसके ब्रीथलाइजर टेस्ट भी की जाती है ताकि पता चल सके कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट किसी प्रकार की नशे की हालत में तो नहीं है। दोस्तों हर लोको पायलट के लिए ट्रेन का रूट व सेक्शन फिक्स होता है। उसे उस सेक्शन की पूरी जानकारी होती है, कहाँ किस प्रकार की लाइनें हैं, कहाँ कर्व है, कहाँ हाई ग्रेडियंट है, कहाँ लो ग्रेडियंट है, और उनके प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक की दूरी उतना ही रखा जाता है जिससे कि उसकी ड्यूटी 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाए। दोस्तों इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी लोको पायलट को ड्यूटी के लिए लॉबी से कॉल आता है, उसे 2 घंटे के अंदर लॉबी में जाकर साइन ऑन करना होता है, और अगर ट्रेन का चार्ज उसी स्टेशन पर लेते हैं तो वहां से गंतव्य स्टेशन तक पहुंचकर जब तक हैंड ओवर नहीं कर देते हैं तब तक उसकी ड्यूटी मानी जाती है। और यदि साइन ऑन करने के बाद किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर उसे ट्रेन का चार्ज लेना होता है तो क्रू किसी दूसरे ट्रेन से उस स्टेशन तक स्पेयर जाते हैं। लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट को स्पेयर जाने व आने के टाइम को भी ड्यूटी में काउंट किया जाता है। उसके बाद वहाँ ट्रेन का चार्ज लेने के बाद ट्रेन को उनके डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं। जब उनकी ड्यूटी 6 से 8 घंटे होने वाली होती है तब तक लोको पायलट का गंतव्य स्टेशन भी आ गया होता है। फिर वहाँ क्रू दूसरे क्रू को ट्रेन को हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद वह साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ करने के बाद रनिंग रूम में उसे पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है, फिर उसे अपने हेडक्वार्टर की ओर जाने वाली ट्रेन को दी जाती है। उसे अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचने के बाद 16 घंटे की रेस्ट दिया जाता है। कभी कभी 16 घंटा से ज्यादा भी रेस्ट होता है, परंतु 16 घंटे के पहले लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाता है। इस तरह से लोको पायलट की ड्यूटी 15 दिन में 104 घंटे की होनी चाहिए। अगर इससे अधिक ड्यूटी होता है तो उसे 104 घंटे से जितना अधिक घंटा होगा उसे उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। यदि किसी दिन उसकी ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे हो जाते हैं तो उसकी ड्यूटी का आवर्स को ओवर टाइम तब तक नहीं जोड़ा जाता है जब तक कि उसकी ड्यूटी आवर 15 दिनों में 104 घंटे से अधिक ना हो जाए। इसी बीच आपको यह भी बताना चाहेंगे कि गुड्स ट्रेन के लोको पायलट किसी ट्रेन को लेकर डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं और उसकी ड्यूटी रास्ते में ही 10 से 12 घंटे हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंडियन रेलवे के रूल्स के अनुसार वह लोको पायलट किसी खास स्टेशन में आदेशानुसार लोको को सिक्योर व शट डाउन कर लोको की सारी जिम्मेदारी उस स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर वह नजदीकी लॉबी या अपने हेडक्वार्टर की ओर आ जाते हैं। फिलहाल रेल प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट की ओवर ड्यूटी ना हो ताकि वो उसे प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे
ट्रेन को डेस्टिनेशन की ओर ले जाने पर कितने समय के बाद उसे रेस्ट दिया जाता है, वह कहां पर वह रेस्ट करते हैं, या मालगाड़ी के केस में यदि ड्यूटी 10 घंटे से 12 घंटे हो जाती है, वह अपने ट्रेन को किसे हैंड ओवर करके वह अपने घर को या अपने रनिंग रूम को पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से रेल से जुड़े इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।